नमस्कार मित्रों, YouTube में आपका स्वागत है। मित्रों, ऋग्वेद का एक सूत्र है, अयम मे हस्तो भगवान अयम मे भगवत रहा। ये मेरा हाथ मेरा भगवान है। अयम मे हस्तो भगवान, ये मेरा हाथ मेरा भगवान है। अयम मे भगवत रहा, और ये जो दूसरा हाथ है मेरा, ये उससे भी बढ़कर है। एक हाथ अगर मेरा भगवान है, दाहिना हाथ जिससे मैं काम करता हूं, जिससे मैं श्रम करता हूं, पुरुषार्थ करता हूं, शुभ परिणामों को अपनी ओर आकर्षित करता हूं, ये मेरा दाहिना हाथ, अयम मे हस्तो भगवान, ये मेरा भगवान है। अयम मे भगवत रहा, और ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में ये मेरा दूसरा हाथ, जिससे मुझे प्रेरणा मिलती है, ज्ञान मिलता है, अनुभव मिलता है, दूसरों का साथ मिलता है, समाज का, राष्ट्र का, परिवार का। कितनी बड़ी बात लिखी है वेदों में, ऋग्वेद का सूत्र है, अयम मे हस्तो भगवान अयम मे भगवत रहा। ये मेरा हाथ मेरा भगवान है, और ये हाथ उससे भी बढ़कर ऐश्वर्यवान है। अयम मे विश्व भेषज अयम शिव अभिमर्शनः। और इस मेरे हाथ में एक और चीज है, स्पर्श की शक्ति है, औषधीय शक्ति है। इसके स्पर्श से उदास आदमी प्रसन्न हो सकता है, एक गरीब आदमी अमीर हो सकता है, और एक बीमार स्वस्थ हो सकता है, रोगमुक्त हो सकता है। लेकिन इसके प्रयोग की बात है कि किस भाव से आप इसका प्रयोग करते हैं। इसलिए हमेशा लोगों की मदद के लिए हाथ को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोगों की मदद करेंगे, उतना ज्यादा आपका हाथ ईश्वर के करीब होगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में सेवा की, परोपकार की, दान की बड़ी महिमा है। जब आपका हाथ किसी के कल्याण के लिए उठता है, तो यह सिर्फ आपका हाथ ही नहीं होता, इसमें परमात्मा का हाथ भी जुड़ जाता है। जब आपका हाथ किसी की मदद के लिए आगे बढ़ता है, किसी के दुख दूर करने के लिए, किसी की उदासी दूर करने के लिए, किसी के मोटिवेशन के लिए आगे बढ़ता है, तो यह हाथ परमात्मा का ही हाथ होता है। इसलिए जब भी ये विचार आए कि मुझे किसी की मदद करना है, किसी को गले लगाना है, किसी का हाथ थाम लेना है, तो उसमें सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए, आगे बढ़ना, और आगे बढ़कर अपने पुरुषार्थ से, अपनी शक्ति से, अपनी संभावनाओं से, अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से, और अपनी भावनाओं से, अच्छी भावनाओं से, पॉजिटिव सोच के साथ कल्याण कार्य में लग जाना। और विश्वास रखिएगा कि आपका कल्याण अपने आप हो जाएगा। अयम मे हस्तो भगवान, ये मेरा हाथ मेरा भगवान है। और कभी ये प्रयोग करिएगा कि कभी अपने हाथ से किसी ऐसे व्यक्ति का स्पर्श करिएगा जो बहुत दुखी हो, और मन में ये संकल्प रखिएगा कि भगवान इसका दुख दूर कर दें, इसका अभाव दूर कर दें, इसका रोग दूर कर दें, इसका दुख दूर कर दें। और अपने मन यानी मस्तिष्क और हृदय को यानी भावनाओं को एक बिंदु पर लाकर यह संकल्प तो करिएगा कि अभी इसी वक्त ये स्वस्थ हो जाए, इसके सारे दर्द दूर हो जाए। और ऐसा संकल्प लेकर जब आप उसके सिर में हाथ फेरेंगे, अद्भुत परिणाम आएंगे। इस हाथ का महत्व समझते रहिएगा। अभी और भी बातें करूंगा हाथ के बारे में, क्योंकि पाम वेद
वास्तव में हाथ को ही वेद मानता है और हाथ को ही ईश्वर मानता है। हाथ का अभी तक उस तरह से उपयोग किया ही नहीं गया जिस उद्देश्य से परमात्मा ने इसको बनाया था, इसलिए कभी भी किसी की मदद करने में, इस संसार को बेहतर बनाने में, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालने में, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में पीछे मत हटिएगा। हाथ को हमेशा आगे रखिएगा और नए नए संकल्प इस हाथ से लेते रहिएगा कि कैसे हम इस संसार को और बेहतर बनाएं। इतना ध्यान और प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।